शीघ्रता करो, पासे लाओ, प्रभु आते ही होंगे, लगाओ जल्दी। अब आरंभ होगा चौसर का खेल माता और प्रभु के बीच। मैं यहाँ अपने जमाता से एक अनुरोध करने आई हूँ। अवश्य माता। आप तो औघर दाता है, संपूर्ण विश्व को देते हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आई हूँ। बोलिए जमाता, देंगे? जमाता भी पुत्रवत होता है माता, आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो आपको देनी है, बिना आपकी आज्ञा मेरी पुत्री के जीवन में सुख नहीं आएगा। कैलाश पर एक भवन बनाने की अनुमति दीजिए जमाता। केवल एक भवन जिसमें मेरी पुत्री सपरिवार सुख से रहे। जिस घर गृहस्थी के चक्रियों से बचने के लिए मैं यहां आया था, उस गृहस्थी का संकट यहां भी आ पहुंचा। कुछ युक्ति लगानी होगी। बोलिए जमाता, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। माता मैना देवी, आपको जो चौसर खेलना आता है? देवर्षि, आप जैसे देवर्षि गृहस्थी जैसे गंभीर विमर्श के मध्य चौसर खेलने की बात कर रहे हैं? यही तो कैलाश की विशेषता है माता मैना देवी। यहाँ बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चौसर की हार जीत से हो जाता है। यदि आपको महादेव से कैलाश पर भवन बनाने की अनुमति चाहिए तो इसका एक सरल उपाय है, आप महादेव को चौसर में पराजित कर दीजिए, तो महादेव कैलाश पर भवन बनाने की आपकी इच्छा स्वयं पूर्ण कर देंगे। क्यों महादेव? यदि जमाता की ये इच्छा है तो मैं ये खेल खेलने के लिए तैयार हूं। प्रभु, माता मैना देवी चौसर खेलने के लिए तैयार है। अनुमति देकर इनकी इच्छा और हमारी प्रतीक्षा दोनों पूर्ण कीजिए। अनुमति दीजिए जमाता, अन्यथा आपके मौन को यहां सब लोग पराजय का भय समझेंगे। भाई निर्बल को सताता है माता मैना देवी। अब तो सहमति दे दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, दे दीजिए सहमति। कल प्रातःकाल आपने चौसर खेलने की अनुमति दे दी? ना देता तो माता की इच्छा का अपमान होता।
तो आप माँ की इच्छा का मान रखने के लिए कैलाश पर भवन निर्माण की इच्छा को भी पूर्ण करेंगे? मैंने अनुमति चौसर खेलने की दी है पार्वती, भवन निर्माण की नहीं। ठीक है, भले कैलाश पर भवन का निर्माण हो अथवा ना हो, भले आपने अनुमति केवल चौसर खेलने की क्यों ना दी हो, किंतु मैं सदैव रहूंगी अपनी मां के पक्ष में। मैं चौसर में आपको उन्हें पराजित नहीं करने दूंगी, ये निश्चित है। लीजिए प्रभु, खेल आरंभ कीजिए। खेल प्रारंभ होने से पहले मैं खेल के अनुबंध को पुनश्च दोहराना चाहूंगी जमाता जी। खेल के अनुबंध के अनुसार यदि मैं जीत गई तो जमाता जी आप संपूर्ण कैलाश पर एक भवन की निर्मित करेंगी। और आप सब लोग इस अनुबंध के साक्षी होंगे। बात तो एक भवन निर्माण की हुई थी माता मैना देवी, पूरे कैलाश पर भवन निर्माण? शिव 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 प्रभु। मेरी तो इच्छा भी यही है और स्वप्न भी कि संपूर्ण कैलाश पर एक भवन का निर्माण हो जो संसार में कैलाश भवन के नाम से जाना जाए। कैलाश केवल मेरा नहीं, असंख्य जीव जंतु पशु पक्षी साधु संतों की तपोभूमि भी है। मेरा सुख उनके दुख का कारण नहीं हो सकता माँ, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती, ये अनुचित है माँ। पुत्री, हिमालय विशाल और विस्तृत है, केवल एक यही स्थान नहीं है तप करने के लिए, तप करने वाले अपना स्थान ढूंढ लेंगे। माता मैना देवी, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो खेल आरंभ करें। खेल प्रारंभ करने के लिए मेरी स्वीकृति तो महादेव पर निर्भर है। माता मैना तो अनवरत हार रही है। और ये रहा खेल का अंतिम दांव।
मेरे प्रभु की होगी जीत सुनिश्चित। मैंने कहा था ना महादेव, मैं अपनी माँ को हारने नहीं दूंगी आपसे। कैलाश का परिवर्तन, अब कैलाश बदल जाएगा। मैंने कैलाश बदल दिया, अब तेरे भवन का निर्माण होगा पुत्री। कैलाश भवन का निर्माण अब सुनिश्चित है। कैलाश भवन का निर्माण सुनिश्चित है। जमाता, आप तो हार गए, अब मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। भवन निर्माण की इच्छा केवल आपकी इच्छा नहीं है माता, आपकी उस कामना में पार्वती की मनोकामना भी सम्मिलित है। इसीलिए कैलाश पर भवन का निर्माण अवश्य होगा। भवन का शिल्पकार कौन होगा? भवन का शिल्पकार होगा मेरा भक्त, ज्ञान और कला में कुशल रावण। जो पार्वती के परामर्श, उसके मनोनुकूल भवन का निर्माण करेगा। नंदी। प्रभु। जाओ, जाकर रावण को संदेश दो कि वह शीघ्र कैलाश है। जो आज्ञा प्रभु। देवराज इंद्र और सभा में उपस्थित सभी सदस्य और सदस्यों, जिस घटना को लेकर मैंने सभा की आपात बैठक बुलाई है वो एक अत्यंत ही गंभीर घटना है। मेरा आरोप है कि मेरे पुत्र जयंत की एक अति साधारण सी भूल को लेकर
आचार्य अनुसुईया ने जो दंड दिया वो किसी भी अभिभावक के लिए अकल्पनीय और किसी भी गुरुकुल के लिए निंदनीय है। देवी अनुसुईया, इस आरोप के विरुद्ध आपकी ओर से कोई स्पष्टीकरण? नहीं देवराज इंद्र, देवी इंद्राणी जयंत के दंड को केवल एक माता की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि वे केवल एक पुत्र की माता है, परंतु मैं गुरुकुल की सभी छात्रों की मां हूं। इस दंड को मेरी दृष्टि से देखा जाए। उचित और अनुचित का भेद स्पष्ट हो जाएगा। मेरे विचार से भेद समझने की आवश्यकता आपको है आचार्य। आपकी मातृत्व में जो खोट है, मैं उसके भेद को समझने की बात कर रही हूँ। पूर्णता और अपूर्णता के भेद को समझने की बात कर रही हूँ। मैं तो केवल एक पुत्र की माता होकर भी पूर्ण हूँ, परंतु आप पूर्णतया अपूर्ण है देवी अनुसुईया, क्योंकि आप निसंतान हैं। ये सारा दोष गुरुकुल की प्रबंधन समिति का है, जिन्हें कोई दूसरा योग्य आचार्य नहीं मिला कुलपति पद के लिए और सौंप दिया गुरुकुल के छात्रों का भाग्य एक बांझ के हाथों में। देवेंद्रानी, आप शब्दों की मर्यादा भूल रही हैं। क्षमा करें ऋषिवर, एक मां की आहत भावनाओं को मर्यादा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ध्यान रहे आचार्य दंडपाणी, पद की मर्यादा को कोई भी नहीं लांघ सकता और अपने पद का सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। परंतु एक पांच को कुलपति पद पर बैठाना किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। इन्हें इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अस्वीकार करती हूँ और इन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखती हूँ। मेरा भी यही मत है देवराज, देवी अनुसुईया का इस पद पर बने रहना उचित नहीं है, छात्रों के भविष्य के लिए भी और गुरुकुल की मर्यादा के लिए भी। यदि आप सब मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, तो फिर चुनाव ही एक उत्तम विकल्प है। चुनाव करवा लीजिए, जो बहुमत कहेगा मुझे स्वीकार होगा। चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे कुलपति पद पर बने रहने में मेरी अपूर्णता बाधक है, तो मैं इसी क्षण इस पद को त्यागती हूँ। और मैं घोषणा करती हूँ, जब तक मैं पूर्ण ना हो जाऊं, मैं कुलपति पद पर नहीं बैठूंगी। ठहर जाइए देवी अनुसुईया, मेरा अनुरोध है आपसे, अपने निर्णय पे पुनः विचार कर लीजिए। उपस्थित सभा सदन के समक्ष
मैं घोषणा करती हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ, मैं महासती हूँ, महासती अनुसूया। मुझ में इतनी शक्ति है, यदि मैं चाहूं तो अपने सतीत्व के बल पर मैं सूरज को रोक लूं, पृथ्वी और अन्य ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल दूं, बड़े से बड़े तूफान को नियंत्रित कर दूं। यदि मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं तो वो है मेरे गर्भधारण करना और इसे एक क्षमता के कारण मैं शापित हो गई। अब शकुनी हो गई, विधाता अर्थात त्रिदेव को मेरा भाग्य बदलना होगा। अब त्रिदेव को मेरी ममता की गोद में, मेरे संतान के रूप में आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। मैं महासती अनुसूया दसों दिशाओं यहां उपस्थित सभी देवी देवताओं और आचार्यों को साक्षी मानकर त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ, प्रण लेती हूँ, प्रण लेती हूँ, प्रण लेती हूँ।